फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो मेरठ से मिल रही है। पूर्व सांसद के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा है। एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची है युवती। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर होटल में बलात्कार का आरोप लगा है। एसएसपी ने साइबर सेल को जांच सौंपी है। पूर्व बीएसपी सांसद शाहिद अखलाक के बेटे पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और साथ ही ये इंस्टाग्राम की चैटिंग भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पहले चैट हुई उसके बाद में होटल में ले जाकर बलात्कार करने का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। देखिए, इस तरह से कोई आरोप नहीं है कि पूर्व सांसद के बेटे, एक महिला लड़की जो है एसएसपी ऑफिस में आई थी, उसने एक एप्लीकेशन ली और उसमें उसने एक आईडी बताई है। उस आईडी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है। उस आईडी की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को साइबर सेल रेफर किया गया है और इसकी साइबर सेल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर एटा से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक शातिर असलाह तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 देसी पिस्टल और 32 बोर की 8 मैगजीन भी बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी दानिश खां अलीगढ़ का रहने वाला है और मध्य प्रदेश से 10,000 में पिस्टल खरीद कर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 30,000 से 40,000 रुपए में बेच दिया करता था। और उसके पास से 4 पिस्टलें और 8 उसकी मैगजीन बरामद की है। हाँ, मौके से एक अभी खराब हो गया, इसका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। और कहाँ कहाँ सब? ये मूलतः खंडवा मध्य प्रदेश से ये लाती थी 10,000 रुपये के आसपास खरीद कर और यहाँ 30,000 से 40,000 रुपये में इसको सप्लाई कर रहे थे। इनसे पूछताछ के आधार पर जो सूचनाएँ प्राप्त हुई पुलिस को। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मनियर थाना क्षेत्र के राधे सिंह डेरा से अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने कार में लदी 46 पेटी देशी शराब बरामद की और मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया तस्कर शराब तस्करी कर बिहार ले जा रहा था। मनियर थाने की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है वो गाड़ी में अवैध शराब की तस्करी करने के लिए शराब लेकर के बिहार बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और चेकिंग के क्रम में एक अल्टो कार को जब चेक किया गया तो उसमें जो है एक व्यक्ति मिला, एक वो उस गाड़ी से निकल करके भाग गया और उसमें उस गाड़ी में अल्टो कार में कुल 46 पेटी बंटी बबली ब्रांड की देसी शराब मिली है जिसको कि बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। और अब खबर बदायूं के बिलसी इलाके से, जहां पर तेजेंद्र नाम के शख्स की अपनी बहू के साथ गलत हरकतों को लेकर उसकी पत्नी नाराज रहा करती थी और आए दिन इसको लेकर परिवार में झगड़ा भी हुआ करता था। बहू पर गलत नियत के चलते पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया, उसने पति की हत्या कर दी। 14 अगस्त की रात में पत्नी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पत्नी भी बगल में सोई थी, मिली थी संदर्भ में थाना बिलसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिलसी पुलिस ने ये उद्घाटन किया है कि मृतक की पत्नी ने ही अपनी बहू के साथ संबंध के शक को लेकर के फरसे से उनके ऊपर वार करके इनकी हत्या कर दी थी। इनकी पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेज के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में बदमाशों के दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देने की जो मामला है वो सामने आया, जिसके बाद में डिडोली कोतवाली के पायती कला गांव से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां पर जमीन का सौदा करने गए किसान की कार से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए से भरा हुआ बैग निकाल लिया। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई। किसान ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बांदा में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये मामला डीएम कॉलोनी रोड के सामने का है। प्रशासन ने पहले ही जगह खाली करने की जानकारी दे दी थी। जिला प्रशासन ने सामान सुरक्षित रखवाते हुए झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवा दिया। आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसा थाना
कंडोली इलाके के आगरा हाथरस हाईवे पर हुआ है, जब तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने एक सवारी से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। एक ऑटो और अमूल दूध के टैंकर में टक्कर हो गई, जिसमें कुल 5 लोगों को चोटें आईं। सूचना पाकर के त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी को इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज कुल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। जो व्यक्ति मृतक हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: कुमारी रोशनी, उम्र 16 वर्ष, पुत्री कप्तान सिंह, निवासी तुंडला। दूसरा श्रीमती शर्मिला, उम्र 58 वर्ष, पत्नी अरुण, निवासी बरौली अहिर। तीसरा नीरू, उम्र 38 वर्ष, पत्नी पोप सिंह, निवासी बाबाजी खंडौली। यह रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।